सो हे गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके तरफ से आए हैं, या तो मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे। होता क्या है कि आप जब टेक्स्ट मैसेज करते हो तो मुझे टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, बट मैंने कोशिश किया कि सभी को टेक्स्ट मैसेज मैं दे दूँ, रिप्लाई कर दूँ टेक्स्ट मैसेज में। बट इससे पहले कि मैं बोलूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने वीडियो पूरा देखा नहीं है और जो आपके डाउट्स हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि आपका ऑपरेशन कब है या फिर आपका जो सर्जरी है मतलब वो आपने करवाया या नहीं करवाया। सो मैंने बताया कि मैं सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं था। सो आप वीडियो पूरा देखोगे तब वो क्लियर होगा। बेसिकली मैं पांच वैसे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाला हूँ जो आपके जेन्यून डाउट आ रहे हैं इधर, जो एम्स वगैरह के लिए जो भी मैंने वीडियो डाला है, या फिर ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं किसी हॉस्पिटल में उसके रिगार्डिंग। सो अगर आप एम्स में या फिर कोई और भी हॉस्पिटल में, जो एम्स ही है मतलब एम्स का दिल्ली हो या फिर एम्स का पटना हो, ऐसे कोई भी अगर आप हॉस्पिटल में जाने के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। आपको टोटल बैकग्राउंड व्यू देगा कि हाँ वहाँ क्या कैसे होता है, क्या हो सकता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी है बट आप देखना तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पहला तो मैं बता दूं कि हाउ मच टाइम दे टेक फॉर एन ऑपरेशन और सर्जरी, ये टोटल डिपेंड करता है कि आप कैसे सर्जरी करवाते हो। ये पहला और पांचवा नंबर जो है कि मैं लास्ट में देखूंगा। इससे पहले मैं दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो नंबर का क्वेश्चन है वो कवर अप कर लेता हूँ, बिकॉज बहुत ही जेन्यून सा सिंपल सा डाउट है। पहला तो आप दूसरा में देखोगे नेचर ऑफ अ स्टाफ और डॉक्टर कैसा होता है। तो डॉक्टर का जो मतलब नेचर है, जो उनका बात करने का वे है, बहुत ही पोलाइटली है वो, उनका नेचर बहुत पोलाइट है। कोई भी डॉक्टर वहाँ पर आप देखोगे पोलाइटली, लगभग लगभग पोलाइटली बात करते हैं। मोस्टली मैंने जितने भी डॉक्टर से मतलब चेक करवाया, वो सारे, अगर मैंने 10 डॉक्टर से मीन्स इंटरेक्शन हुआ है मेरा, तो उसमें से 9 डॉक्टर जो है वो पोलाइट ही बात कर रहे थे। मुझे एक डॉक्टर सिर्फ याद है जो मतलब उस पोलाइटनेस नाम की कुछ चीज़ नहीं थी उनके पास, वो लेडी डॉक्टर थी और वो मतलब वो बात ही नहीं सुन रही थी। और स्टाफ का भी पोलाइटनेस ठीक ठाक ही है, बट कुछ स्टाफ्स ऐसे हैं जो लैसिक वाले में, जो स्टाफ है एक स्टाफ ऐसा है जो मतलब आपकी बात सुनेगा नहीं, वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, वो स्टाफ ऐसा है। और बाकी सब ठीक है। एंड तीसरा नंबर जो ट्रैवल है, तो ट्रैवल में अगर आप NCR रीजन में आते हैं तो आपको ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जानते ही हो लगभग लगभग NCR का जो मतलब दिल्ली के आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो मेट्रो से जुड़ा हुआ है, एंड मेट्रो एम्स नाम का एक मेट्रो स्टेशन भी है। सो आप मेट्रो से बहुत ईजिली, बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस में, बहुत ही जेन्यून फेयर में आप ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बाकी आप तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट हो ही, न्यू दिल्ली से फ़्लाइट हो या फिर आप ट्रेन से जा सकते हो, बट NCR रीजन वाले को बहुत ही बेनिफिट है। जैसे कि मैं जो था वो, मैं गाज़ियाबाद में रह रहा था एंड वहाँ से मेरे को जाना होता था एम्स न्यू दिल्ली में। सो गाज़ियाबाद से जहाँ पर मैं रह रहा था वहाँ पर क्या है कि मेरे घर के आसपास एम्स मतलब सॉरी मेट्रो की लाइन नहीं थी, तो मैं पहले ऑटो से जाता था मेट्रो स्टेशन, जो मेरे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था, एंड वहाँ से मैं जाता था एम्स। मेरे को 1 घंटे लगते थे एम्स जाने के लिए टोटल, मतलब घर से निकलने के बाद जाने के लिए। सो मेरे को ट्रेन भी बीच में चेंज करना होता था, मेट्रो एंड वगैरह वगैरह। सो काफ़ी डिस्टेंस था बट ईजिली मेरे को ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था वहाँ। और दूसरा प्रॉब्लम इन ऑनलाइन बुकिंग जो बात हो रही है उसमें कुछ है नहीं जेन्यून सा, ये है कि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है, आप करोगे एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। 1-2 दिन आप ट्राई करना ऑनलाइन, अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप एम्स में कॉल कर लेना उसके नंबर पे, एम्स के नंबर पे, एंड देन वहाँ से आप पूछ लेना कि मेरे को बुक करना है, मेरे को बुक नहीं हो रहा, तो वो बुक कर देते हैं फ़ोन पे ही, ठीक है। एंड अब चलते हैं कि वो ऑपरेशन में या फिर किसी भी सर्जरी में कितना टाइम लेते हैं, या फिर लेसिक या लेज़र में क्या प्रोसेस है, क्या टाइम लेते हैं। एक ने मुझसे पूछा कि उनका स्क्विंट का ऑपरेशन है, उनका स्क्विंट के लिए वो मतलब दिखा रहे हैं तो उसमें क्या टाइम लगेगा। सो आई थिंक उनका भी मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाया था। सो वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका भी हो जाएगा। सर्जरी में कितना टाइम लेते हैं, सिंपली पूरा डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्जरी करा रहे हैं। जैसे कि मैं जब वहाँ था तो मैं गया था लेज़र करवाने के लिए, तो मेरे को टोटल ओवरऑल 1 मंथ का टाइम लगता तो मेरा लेज़र हो जाता। मैंने ऑलरेडी 4 विज़िट कर चुके थे अपना, एंड लास्ट वाला विज़िट मींस 4th विज़िट में जो जब मैं गया था, तो उस दिन मेरे को 5th विज़िट यानी 5th विज़िट में ऑपरेशन था, सर्जरी था। तो 5th विज़िट का डेट मेरे को मिलने वाला था कि आपकी सर्जरी किस दिन होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो था कि एलिजिबल नहीं था, सो मेरे को मिला नहीं। नहीं तो 1 मंथ में आपका लेसिक बहुत आराम से हो जाएगा, 1 मंथ में। स्क्विंट का उन्होंने बताया कि वो कुछ 4 अप्रैल आई थिंक इसी तरह से 1 अप्रैल को शायद उन्होंने विज़िट किया था एम्स, और उन्होंने बताया कि उनको नेक्स्ट डेट मिली 28 अप्रैल की। फिर 28 अप्रैल के बाद उनकी स्क्विंट, उनकी शायद डॉक्टर से बातचीत होगी, ऐसा उन्होंने कुछ बताया। सो
बेसिकली मैं बता दूं, ऐसा होता ही है कि आपको वन जैसे वो जो टाइम चुनते हैं ना, वो उस टाइम पे ही बुलाते हैं। जैसे कि मेरे को क्या था ना, जिस दिन वो जैसे कि अगर 7 तारीख को उन्होंने बुलाया तो फिर नेक्स्ट 14 को बुलाएंगे वो, फिर 21 को बुलाएंगे वो, इस तरह से लगभग वो कर रहे थे। उनका कुछ डेट फिक्स होता है कि वो इस डेट को ही बुलाते हैं। उनका लेसिक जैसे सर्जरी होता है तो वो सिर्फ वेडनेसडे को आई थिंक होता है, इस तरह से होता है। सो ऐसा हो सकता है कि वो जैसे स्क्विंट का उन्होंने बुलाया तो वो 28 को, अगर उसने उन्होंने इस बार बुलाया ना, तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट 28 को आपको बुलाए। सो आप ये देख सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि 28 को उन्होंने बुलाया है तो हो सकता है 28 के बाद 29 को वो नेक्स्ट विजिट कर ले और 30 को सर्जरी कर दे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है एम्स में, बहुत ज़्यादा। अगर आप आसपास के रीजन के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर कोई स्टेट से आते हो फिर एक ऑपरेशन करवाते हो जाते हो, बहुत ही मतलब थोड़ा हरासमेंट सा ये है, प्रोसेस है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बिकॉज नो डाउट कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा है, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में मैं कहूँगा कि मीन्स कुछ इनके पास टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा है। जैसे कि जितने पावर की मेरी आई थी और जितनी मेरी कॉर्नियल थिकनेस थी, आई थिंक अगर मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँ तो वो मेरी लेसिक ईजिली कर देंगे, वो बोलेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो एम्स में उन्होंने नहीं किया, सो वो बचते हैं। वो उन्होंने मेरे को ICL सजेस्ट किया था, बट मैंने ICL के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर रखा था, एंड मैंने सोचा कि सेकेंड ओपिनियन लूँ, सो मैंने ICL करवाया नहीं। और सो अगर आप कोई भी सर्जरी के लिए जाते हो तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, वो चाहे स्क्विंट का हो, चाहे लेज़र का हो, और या फिर कोई भी हो, ठीक है। हाँ, इससे अच्छा ये रहेगा ना कि आप जब जाओ ना तो किसी डॉक्टर से आप पूछ लो कि मतलब आपका कितना समय लग सकता है अगर सब कुछ सही रहा, मीन्स मेरा सर्जरी होने के लायक अगर एलिजिबल है, नॉर्मल सब चेकअप चल रहा है, तो आप कितना समय लग सकता है। जैसे कि मैंने डॉक्टर से ही मतलब मैंने पूछ लिया था कि मतलब मेरे मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर का मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, सो मेरे को क्या करना है कि जल्दी ही जाना है घर, तो क्या ये मतलब हो जाएगा मेरा ऑपरेशन इससे पहले। तो उन्होंने कहा था, मतलब डाउट में ही कहा था, हाँ अगर सब कुछ सही रहेगा तो हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूँ, वो कभी कभी करते क्या कि जैसे कि मैं लसी की सर्जरी कराने गया था जब मैं, तो टेस्ट मैंने बहुत सारे करवाए थे, तो एक टेस्ट के लिए उन्होंने एक रूम में मेरे को भेजा था। उस रूम वाले ना मतलब तैयार ही नहीं हो रहे थे कि मैं आपकी मतलब टेस्ट कर दूँ। वो 2 महीने बाद का समय दे रहे थे सिर्फ एक टेस्ट के लिए, कुछ HVF करके टेस्ट था। सो उस टेस्ट के लिए वो 2 महीने के बाद का समय दे रहे थे, लेकिन जिस डॉक्टर ने मुझे रेफ़र किया था उस रूम में, उस डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये आपको अभी टेस्ट करेंगे नहीं, ये 2-3 महीने बाद का समय देंगे। तो ये वाला टेस्ट अगर आप बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हो तो वहाँ से करवा कर ले आना रिपोर्ट जब नेक्स्ट विजिट आपकी है, सो आपका जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। मैंने उस एक रिपोर्ट के लिए मैंने बाहर में टेस्ट करवाया था, तो बाहर में प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। एक हॉस्पिटल में मैंने पता किया था तो वो सिर्फ एक टेस्ट का 2500 रुपये था, और एक और आई हॉस्पिटल में मैंने पता किया तो वहाँ 1500 रुपये में था, तो वहाँ पर मैंने करवाया। I7 हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ, सो वहाँ 1500 में मैंने वो करवा लिया, दिल्ली में ये वो ईजी रहा, एंड देन मैं वो लेकर गया था। उस टेस्ट के लिए मेरे को रुकना नहीं पड़ा था 2 महीने तक, मेरा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ था उसके लिए। ये सब ओवरऑल सही है, आपको टाइम लगेगा, बट हाँ हो सकता है कि आपका सर्जरी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों को डेट भी मिल रहा था मेरे सामने ही कि आपकी सर्जरी इस दिन है, और बहुत सारे वैसे पोस्ट सर्जरी वाले भी आए थे कि हाँ आपका मतलब कैसा अब आँख है उनका, प्रोग्रेस चेक करने के लिए आए थे वो। अगर आप जा रहे हो एम्स तो आई थिंक ये सब चीज़ आपको एम्स जाने से पहले सुन लेना था, और मैंने बता दिया, ये सब आपके जेन्युइन डाउट थे। अगर आपको और भी कुछ लगता है तो फील फ्री टू आस्क मी, इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप लिख देना, अगर क्वेश्चन जेन्युइन रहा, मेरे को बताने लायक रहा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, और नहीं तो फिर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ इस पर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।